झारखंड जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों से प्रभावित होकर 16 अक्टूबर को झारखंड जनता दल पार्टी का विलय जदयू में होने जा रहा है। क्या उद्देश्य है? एक तो यह जानकारी देना कि झारखंड जनता दल जो झारखंड में एक पार्टी है और जिसका गठन 2020 में हुआ था, यह पार्टी अब देश में सांप्रदायिकता जो चल रही है उसके खिलाफ की जो शक्तियां हैं उसको एकजुट करने के उद्देश्य से अब इसका विलय जनता दल यूनाइटेड में हो रहा है। हम लोगों का यह मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा लग रहा था कि देश में नेट गोल भारतीय जनता पार्टी करेगी, विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने इस विचार को बिल्कुल तोड़ दिया और जो सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण हुआ है उसके खिलाफ एक ध्रुवीकरण हो, इन विचारों के खिलाफ, उसके लिए उन्होंने अगुवाई की। इससे प्रभावित होकर के हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड में जाने का निर्णय लिया है और आगामी 16 अक्टूबर को रांची में हम जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह, उनके सामने अपनी पार्टी का विलय करेंगे जनता दल यूनाइटेड में। और पूरे झारखंड में जो कॉम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसके विरुद्ध हम आमजनों के बीच में प्रचार करेंगे कि यह सांप्रदायिकता देश के लिए बुरी है, देश के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। देश में मानसिक विभाजन नहीं होगा और जब भाई भाई में मानसिक विभाजन होता है तो भौतिक विभाजन भी की बात प्रारंभ हो जाती है, हड़िया बर्तन अलग होने लगता है। तो ये स्थिति भाजपा के लोग पैदा नहीं करते इस देश में कि देश में एक और विभाजन हो जाए। मानसिक विभाजन तो इन्होंने कर ही दिया है हिंदू मुसलमान करके, क्रिया और प्रतिक्रिया इसकी जारी है। तो ये अमन और चैन कैसे आए, सांप्रदायिकता के विरोध में कैसे गोलबंदी हो, इसमें हम अपनी भूमिका निभाने के लिए जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी झारखंड जनता दल का विलय करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को। विलय का कार्यक्रम रांची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष किया जाएगा। पार्टी विलय के उपरांत जेडीयू पार्टी के सिद्धांतों को झारखंड के हर प्रखंड में पहुँचाने का लक्ष्य रखा जाएगा। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट।